और यस गाइस, मैंने कल पतंजलि के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग की। ये देखिए मेरा है पतंजलि का शॉपिंग बैग। आपको बैग देख के लग रहा होगा कि मैंने कितने सारे प्रोडक्ट कल परचेज किए हैं। सो गाइस, ये सारे न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कल परचेज किए हैं पतंजलि स्टोर से। सो गाइस, आज मैं आपके सामने उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया वो है पतंजलि के कॉर्नफ्लेक्स। यस गाइस, ये है पतंजलि के कॉर्नफ्लेक्स जिसका प्राइस है 85 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स। इसकी सेम पैकेजिंग वैसे है जैसे कैलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, वैसे पतंजलि ने भी अपने कॉर्नफ्लेक्स लॉन्च किए हैं। इन्होंने लिखा है लो फैट, रिच इन आयरन, जीरो कोलेस्ट्रॉल। सो गाइस, ये तीन फैक्टर्स भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसमें गाइस चोको फ्लेक्स भी थे बट मैंने कॉर्नफ्लेक्स मिक्स वाला बॉक्स उठाया और ये परचेज किया। सो गाइस, इसको भी मैं यूज करूंगी, फिर मैं इसके ऊपर भी रिव्यू करूंगी कुछ दिन बाद। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज किया पतंजलि डिटर्जेंट पाउडर। यस गाइस, ये है पतंजलि का डिटर्जेंट पाउडर, जड़ी बूटी युक्त सुपीरियर क्वालिटी पाउडर, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो गाइस, इन्होंने लिखा है कि एंटी बैक्टीरियल नीम सिट्रस लेमन फ्रेग्रेंस एंड फ्रेशनेस। मींस इन्होंने यहाँ पे नीम और लेमन का यूज किया है इस डिटर्जेंट पाउडर में और इसका प्राइस है 65 रुपीज फॉर 1 kg। ये एक प्लास्टिक की पिंक कलर की पैकेट में है ये पाउडर। सो गाइस, जब मैं इसको यूज करूंगी इस पाउडर को और इसके ऊपर भी रिव्यू करूंगी। सो गाइस, ये है पतंजलि का डिटर्जेंट पाउडर। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है पतंजलि डिटर्जेंट बार। यस गाइस, डिटर्जेंट पाउडर के साथ साथ मैंने डिटर्जेंट बार भी परचेज किया है। यहाँ पे लिखा है पतंजलि डिटर्जेंट केक, जड़ी बूटी युक्त पॉपुलर क्वालिटी नीम जीवाणु प्रतिरोधी गुलाब की ताजगी। मींस इन्होंने इसमें नीम और गुलाब यूज किया है इस डिटर्जेंट बार को बनाने में और इसका प्राइस है 12 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स। सो गाइज, ये है डिटर्जेंट बार, कपड़े धोने का साबुन। सो गाइज, मैंने नेक्स्ट परचेज किया है पतंजलि डिश बार। यस गाइज, ये है पतंजलि का डिश बार, राख और नींबू की चमकार। मींस गाइज, इन्होंने इसमें विद स्पार्कलिंग पावर ऑफ लेमन एंड वुड एश, मींस इन्होंने यहाँ पे राख और नींबू का यूज करके ये डिटर्जेंट बार बनाया है और इसका प्राइस है 10 रुपीज फॉर 175 ग्राम। सो गाइज, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए, तो मैं उनके ऊपर डेफिनेटली यूज करने के बाद रिव्यू दूंगी। सो गाइज नेक्स्ट मैंने परचेज किया पतंजलि टूथब्रश। यस गाइज, मैंने पतंजलि का टूथब्रश भी परचेज किया। मेरा टूथब्रश खराब हुआ था तो मैंने सोचा चलो इस बार पतंजलि का ही ट्राई कर लेते हैं। मैंने देखा वहां पे टूथब्रश पड़े हुए थे तो उन्होंने बताया कि हाँ जी, पतंजलि के टूथब्रश भी हैं। तो यहाँ पे लिखा है दांतों की सफाई और मसूड़ों की मालिश के लिए कोमल दंत ब्रश। ये कहता है कि ये सॉफ्ट टूथब्रश है और इसका प्राइस है 10 रुपीज। यस गाइस, 10 रुपए का टूथब्रश जो मैंने परचेज किया। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में था, रेड ग्रीन ब्लू, बट मैंने व्हाइट कलर चूज किया। सो गाइस, इस ब्रश को भी यूज करने के बाद मैं इसके ऊपर भी रिव्यू करूंगी। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट मैंने परचेज किया फेस वॉश, एक और फेस वॉश जो है पतंजलि हर्बल फेशियल फॉर्म फेस वॉश, एक्टिवेटेड कार्बन प्लस विटामिन ई एंड विटामिन ए। सो गाइस, इस फेस वॉश का भी प्राइस है 60 रुपीज फॉर 60 ग्राम्स। सो गाइस, ये है पतंजलि का एक्टिवेटेड कार्बन वाला फेस वॉश। पहले मैं पॉन्ड्स का एक्टिवेटेड कार्बन वाला फेस वॉश यूज करती थी और इस बार मैंने ये परचेज किया और इसको भी हम यूज करेंगे और इसके ऊपर भी मैं बाद में आपको रिव्यू करूंगी। सो गाइस, मेरे लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किए वो है गाइस पतंजलि के सोप्स। यस गाइस, ये मैंने पतंजलि के नहाने वाले साबुन भी कुछ लिए हैं। पहला है साबुन पतंजलि एलोवेरा कांति, मींस ये है एलोवेरा का साबुन जिसका प्राइस है 13 रुपीज फॉर 75 ग्राम्स।
और ये है पतंजलि का नीम कामती, जिसका प्राइस है 15 रुपीज फॉर 75 ग्राम्स। नेक्स्ट लिया है पतंजलि का लेमन हनी। यस गाइस, ये है लेमन हनी, इसकी एक फेस वॉश भी है लेमन हनी की। मैंने इसका नहाने वाला साबुन भी परचेज किया और इसका प्राइस है 19 रुपीज फॉर 75 ग्राम्स। और लास्ट साबुन मैंने जो लिया है वो है पतंजलि का आलमंड केसर कांति। यस गाइस, और इसका प्राइस है 19 रुपीज फॉर 75 ग्राम। सो गाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट पतंजलि के साबुन हैं जो मैंने परचेज किए, इनको भी हम यूज करेंगे और इनके ऊपर भी मैं रिव्यू करूंगी। तो गाइस, एक और प्रोडक्ट मैंने लिया था पतंजलि का किचन के लिए, जो है हींग। यस गाइस, ये हमारे किचन में बहुत यूज होती है, तो मैं पतंजलि की हींग लेके आई हूँ। वैसे तो ये मेरी सेकंड बॉटल है, हम इसको पहले भी यूज कर चुके हैं। मैं सबसे पहले पिछली विंटर्स में ये हींग लेके आई थी। इसकी स्मेल बहुत बहुत अच्छी है, जितना छोटी सी डिब्बी है उतनी इसकी स्मेल तेज है। ये है पतंजलि की बंधानी हींग और इसका प्राइस है 40 रुपीज। यस गाइस, ये 40 रुपीज इसका प्राइस है और ये है 25 ग्राम की प्लास्टिक की छोटी सी वाइट हींग की डिब्बी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो पतंजलि के न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मैंने कल परचेज किए। सो गाइस, इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज करूंगी, फिर इनके ऊपर रिव्यू करूंगी। सो गाइस, इन सबके प्राइस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हो इन सबके प्राइस। और अगर आप इन सबके रिव्यू देखना चाहते हो किसी प्रोडक्ट का, इनमें से किसी का आप चाहते हो कि हमें जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो गाइस। सो गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो, देन प्लीज गाइस गिव मी अ बिग थम्स अप एंड प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मींस अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।